हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग बाथरूम के अंदर में यहां पे टाइल्स लगा हुआ है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टाइल्स को आप लोग चेक कैसे कैसे करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि आपका टाइल सही से लगा है कि नहीं लगा, लेवल देख लेना, और जो फ्लोर आपका रहता है, फ्लोर में जो आप टाइल्स लगा के रखते हो, तो क्या ये पानी पाइप तक जा पा, जहां से हमारा आउटलेट रहता है वहां तक जा पाता है कि नहीं जा पाता। तो ये सारी चीज हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप अभी चेक करके बताने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, हम शुरू से अभी आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर अक्सर जो है बेवकूफ बना करके पैसा लेके निकल लेता है और कुछ महीने के बाद से क्या सीपेज मतलब पानी अंदर आने लगता है, वॉल से पानी अंदर आने लगेगा और बहुत तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है हम लोगों को। उसमें क्या होता है ना कि जब आप देखिए टाइल्स लगा लिए, एक अच्छा अमाउंट लगा लिए, अब इसमें से जब पानी निकलने लगेगा इस ज्वाइंट के पास से, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे पता चले कि हाँ ये सारे चीज का सामना नहीं करना पड़े, तो अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आप हम सबसे पहला देखना आपको क्या करना, लेवल चेक करना पड़ता है। जैसा कि देख लो, ये एक लेवल यहां से जैसे नीचे से 1 2 3 4 चौथा वाला जो हमारा टाइल्स है, ये पॉइंट ले लो और इधर से देख लो, ये वाला देखो, इधर से 4 नंबर, नीचे से 1 2 3 और ये 4 नंबर है। इस दोनों में क्या करना है, ट्यूब लेवल जो आप देख रहे होंगे, ये हमारे हाथ में ट्यूब लेवल है। ट्यूब लेवल में क्या करना है, एयर नहीं रहना चाहिए, इसमें पानी डालोगे उसके बाद आपको एयर नहीं रहना चाहिए। अगर एयर है तो इस तरह से मारोगे आप इसमें, तो क्या होगा ना कि बबल जो रहता है, जो एयर रहता है, वो ऊपर की तरफ आ जाता है और यहां से निकल जाता है। तो सबसे पहले देखो, इसको यूज करने से पहले आपको देख लेना है कि ये जो ट्यूब लेवल हमारा है, इसमें क्या लेवल बराबर होना चाहिए, दोनों में जो वाटर रहता है वो एक जगह पे होना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लेवल एक जगह पे है, ये चीज। अब आ जाओ, ये हमारा हो गया ट्यूब लेवल। अब हमें क्या करना है ना, किसी भी कोई भी एक लाइन पे रख दो, किसी भी एक लाइन पे रखोगे, जैसा कि हम लोग 4 नंबर पे रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आप इसको मिलाइए इस तरह, आप इधर लो, तो आप देख रहे होंगे कि हमें क्या करना है, किसी भी चेक करें, चेकिंग बता रहा हूं आपको, क्योंकि टायर आपका एक लेवल में है कि नहीं है वो चीज अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, एक लेवल पे मिला लोगे, मिलाइए आप इसको, यहां पे दिखाइए, यहां पे जो है इसको मिला लेना है। यहां आप देख रहे हैं, यहां पे पानी का बबल है, यहां पे हमारे यहां पे, और ये रहा दूसरा, देखिए इस तरफ दूसरा, इधर देखोगे आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पैर फटाइए, दूसरा आपको यहां पे देखना है। तो दोनों लेवल हो गया, ये हमारा, ये दो लेवल हो गया। सबसे पहला चीज क्या करेंगे, हम लेवल चेक कर लिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरा भी लेवल कैसे, मतलब कि ये तो मेरा जो हो गया, हम देख लिए कि एक लेवल में है कि नहीं। अब ये जैसे कि हमारा वर्टिकल वॉल पे जो टाइल्स लगा हुआ, इसका लेवल हम कैसे चेक करेंगे, तो यहां पे आपको क्या करना है, प्लंबर आता है, यह होगा प्लंबर, जिसको हम लोग साहुल के नाम से भी जानते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल मतलब जो भी चीज हमारा वर्टिकल है, उसका लेवल हम लोग जो है प्लंबर से चेक करते हैं। तो अभी हम आपको इसका लेवल चेक करके दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसका लेवल चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, इसको क्या करना है आपको, आप किसी भी पॉइंट पे जहां पे आपको लग रहा है आगे पीछे है, तो यहां पे इस तरह से पकड़ोगे, ये जो आपको दिया हुआ है ये लोहा, आप इस तरह से सटाओगे और ये सटा दोगे, उसके बाद आपका फिंगर जो है इसमें टच नहीं है, ये जो आपका नीचे जो उतर रहा है इसमें आपका टच नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ोगे और आपको क्या करना है, चेक करना है। देखो यहां जिस तरह क्लियर मिल रहा है हमें, इतना क्लियर हमें मिलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा 1 से 2 mm क्लियर मिलना चाहिए पूरा। अब इसी को 2-4 जगह पे हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम इस तरफ आ जाते हैं, यहां पे लास्ट में भी देख लेते हैं, लास्ट में क्या पोजीशन है,
देखो यहां पे भी मतलब कि इसमें टच नहीं होना चाहिए, आपका जो प्लम्बर है ये आपका क्या है टाइल्स में टच नहीं रहेगा, तो इससे ये पता चलता है कि ये आपका क्या राइट एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट है। यहां से दो चीज हमारा हो गया। अब दोस्तों देख लो ये जो ग्रॉटिंग मतलब कि ये जो कॉर्नर रहता है ये एक टाइल्स है, ये टाइल्स का साइज कितना है 1.5 फीट बाय 2 फीट का है, 1.5 फीट बाय 1 फीट का ये टाइल्स का हमारा साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों कॉर्नर आप देखोगे तो यहाँ पे इस जो आप देखो जब से चार टाइल्स है, ठीक है, एक ये दो तीन चार। अब इसका जो आप लेवल है ये एक लेवल में रहना चाहिए, एक लाइन में रहेगा, ये आपका ऊपर से भी मिलेगा नीचे से भी, मतलब ये प्लस का सिंबल एग्जैक्ट बनना चाहिए आपका, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये चीज आप देखोगे। उसके बाद आगे से लेके पीछे तक ये सारा चीज बिल्कुल आपको एक लाइन में रहेगा। इसी तरह से आप लोगों को हॉरिजॉन्टल भी आपको सेम मिलना चाहिए, और आप क्या देखोगे वर्टिकल, वर्टिकल जो ये लाइन आपको दिख रहा है ये भी आपको ऊपर से नीचे तक सेम रहना चाहिए, यहां तक आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि हमें क्या करना है साउंड चेक करना है, क्या इसके अंदर मॉटर मतलब कि जो स्लरी है जो घोला है ये इसमें डाला है कहीं नहीं डाला है। तो इसको इस तरह से फिंगर इसको मुट्ठी बना लोगे, फोल्ड कर लोगे, उसके बाद इस तरह से मार के आपको चेक करना है इसमें आवाज आएगा। यहाँ पे देखो सही से डाला हुआ है, यहाँ पे देखो सही से डाला हुआ है। कहीं कहीं क्या करता है ना कि मिस्त्री लोग बीच में डाल देता है साइड छोड़ देता है, तो जब हम लोग साइड पे जब इंजीनियर लोग जो रहेंगे साइड पे वो किस तरह से चेक करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप चारों कॉर्नर में इस तरह से मार मार के आप देखोगे, सेंटर पे मारोगे कहीं पे आपका है कि नहीं, आपको साउंड आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे तो हम लोग चेक करके रहते हैं, जो आपको साउंड नहीं आ रहा आप लोग जब लगाते हो अपने घर में तो वहां पे भी चेक करना। उसके बाद आपको क्या करना है ग्रॉटिंग करना है, ग्रॉटिंग इस तरह से करना है कि फिनिशिंग रहे, जो भी आपका दो टाइल्स को ज्वाइंट कर रहे हैं। तो आप यहां से देखो इसमें व्हाइट सीमेंट आता है, इससे हम लोग क्या करते हैं ग्रॉटिंग कर लेते हैं इसको मिला, ताकि ये जो है जिस सेम कलर का दिखे, समझ रहे हैं। अब ग्रॉटिंग ऐसा नहीं है कि इसको व्हाइट, जैसे कि ये देखो क्रीम कलर का है या लाइट कलर का है तो उसमें क्या करना है कि आप रेड कलर का ब्लैक कलर का आप लाके ग्रॉटिंग कर दो, ऐसा नहीं करना, व्हाइट कलर का ही करना ताकि आपको ये देखने में थोड़ा सा सुंदर दिखे। ये हो गया ग्रॉटिंग कर लिया, चेकिंग हो गया। अब आपको देखो सबसे मेन क्या फ्लोर का, ये हमारा आउटलेट है, यहां से बाथरूम का पानी जाएगा, मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ हूँ। अभी हम क्या करेंगे फ्लोर पे पानी डालेंगे। फ्लोर यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे जैसे कि आपका आउटलेट है आपका, तो चारों तरफ से हल्का स्लोप रहेगा, ठीक है, वो सारा स्लोप आएगा और आपको यहाँ पे जाके ताकि आसानी से पानी आपका चला जाए, कहीं भी जमा नहीं हो, बाथरूम में पानी रहता दिक्कत होता है, स्लिप करके आदमी गिर जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसी मतलब कि जब आप टाइल्स लगाओगे तो आपके चारों तरफ से आपका थोड़ा स्लोप रहेगा हर तरफ से, और यहाँ पे आके आपका मिलेगा स्लोप। अब हम आपको पानी गिरा करके दिखा रहे हैं क्या ये यहाँ तक जाता है, कि ये लाइव चेकिंग कर रहे हैं, अगर गलती होगा तो इसको अभी तोड़ के ठीक करवाएंगे आपके सामने में। पानी गिराइए इसको पूरा, आइए आगे से दिखा रहे हैं हम आपको, यहां से पानी गिराइए पूरा पानी गिराइए दोस्तों, देख रहे हैं इधर हम लोग पानी गिरा दिए, ठीक है, ये पानी देखो आप थोड़ा स्लोप है, यहाँ पे देखो पानी का जो है क्वांटिटी ज्यादा आ गया, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये स्लोप है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, और यही चीज हम यहाँ पे करेंगे तो पानी नहीं है, यहाँ पे कर रहे हैं पानी नहीं है ये सामने वाले जगह पे, बट यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप दिया है, देखिए आप। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लगाया है टाइल सही लगाया, हमें तो पूरा पानी फैला दिया, देखो इसी जगह कॉर्नर लास्ट में आते हैं, यहाँ पे देखो इस जगह पे पानी आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, तो ये सब देखो सब चेक करना है आपको, यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं बाथरूम में, मैंने जो आपको बताया स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है। और एक चीज देख लो, जब आपका चौखट लगा हुआ है, ये आपका चौखट है, तो यहाँ पे जब आप टाइल्स लगाओगे ना तो चौखट से सटा के बिल्कुल लगाना, हटा के नहीं रखना इसको, ताकि देखो
इन केस आगे चल करके क्या गेट बंद खोल करोगे तो क्या होता है ना, अगर ज्यादा रहेगा तो ये क्रैक क्रैक दिखने लगेगा। अगर हम इसमें ज्यादा जो है इसमें पुट्टी सीमेंट का पुट्टी डालोगे या बंद कर दोगे आप, तो वो क्या होगा, गेट खोलोगे बंद करोगे जब इसका थिकनेस ज्यादा रहेगा, एरिया ज्यादा रहेगा, तो इसमें क्रैक क्रैक लगेगा, देखने में आपको भद्दा लगेगा। तो ये जो मेन प्रोसेस है आपका लाइफ, मैंने अभी आपको चेक करके बता दिया बाथरूम में किस तरह से हम लोग टायर्स लगने के बाद चेक। जब आपको ये सारा चीज कंप्लीट मिलेगा उसके बाद आप जो है लेबर को, आप जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करो। अगर ये सारा चीज आप चेक करो अपने घर में नहीं मिलता है तब तक पेमेंट मत करना। अगर बीच में भी कोई गड़बड़ लग रहा है, साउंड आ रहा है, तो उसको खुलवा करके उसको ठीक करवा, और जो भी कॉस्ट आपका पड़ेगा एक्स्ट्रा वो कॉन्ट्रैक्टर के पैसा में से काटो, क्योंकि आप तो उसको काम का पैसा दे रहे हो ना, वो काम का पैसा ले रहा है, वो नहीं कर रहा मतलब उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।